नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं पड़ताल। सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के आराध्य श्री कृष्ण से जुड़ी एक आपत्तिजनक पेंटिंग वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पेंटिंग से जुड़े दावे में बेंगलुरु दंगे का जिक्र भी कर रहे हैं। दावे के मुताबिक ये पेंटिंग अक्रम हुसैन ने बनाई है, जो असम के आर्ट गैलरी में लगी हुई है। लोग अक्रम हुसैन पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्रद्धानंद उपाध्याय नाम के एक फेसबुक यूजर हैं, उन्होंने पेंटिंग शेयर करते हुए अंग्रेजी में दावा किया, जिसका हिंदी तर्जुमा हम आपको बता रहे हैं। लिखा है, क्या ये कलात्मक स्वतंत्रता है? ये असम के चित्रकार अक्रम हुसैन की एक पेंटिंग है, जिसे गुवाहाटी के आर्ट गैलरी के रविंद्र भवन में लगाया गया है। इसमें बिकिनी पहनी गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण को दिखाया गया है। मुझे याद है कि हाल ही में बेंगलोर में हुआ था एक दंगा, अगर ये इस्लाम की ईश निंदा होती तो क्या होता, सभी तथाकथित शांति दूत क्या करेंगे। ट्विटर पर भी कई यूजर्स ने इस वायरल पेंटिंग को शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस्कॉन मंदिर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अरुण पुदूर नाम के एक ट्विटर यूजर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए असम के मुख्यमंत्री और असम सरकार में मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा से अभियुक्त पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। द लल्लन डॉप ने इस वायरल दावे की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा भ्रामक निकला। श्री कृष्ण की वायरल पेंटिंग 5 साल पुरानी है और पेंटिंग बनाने वाले अकरम हुसैन पर उस वक्त कार्रवाई की गई थी। कीवर्ड्स के जरिए सर्च करने पर हमें आज तक की 11 अप्रैल 2015 की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के आर्टिस्ट अकरम हुसैन की ये पेंटिंग गुवाहाटी की स्टेट आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की गई थी। प्रदर्शनी के दौरान ही इसकी तीखी आलोचना हुई, जिसके बाद पेंटिंग को हटा दिया गया था। ट्विटर पर हमें असम सरकार के मंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का एक ट्वीट मिला। उन्होंने इस्कॉन मंदिर के ट्वीट का जवाब लिखते हुए कहा है, हमने मामले को बहुत पहले ही सुलझा लिया है, अभी आर्ट गैलरी में ऐसी कोई पेंटिंग नहीं है। इस मामले पर गुवाहाटी पुलिस ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है। गुवाहाटी पुलिस ने बताया, ये घटना 2015 की है। अकरम हुसैन के खिलाफ केस दर्ज कर उसे 30 मई 2015 को गिरफ्तार किया गया था। पेंटिंग जब्त कर ली गई थी, अभी पेंटिंग प्रदर्शनी में नहीं है। गुवाहाटी पुलिस ने इस केस में दर्ज की गई एफआईआर का नंबर भी ट्विटर पर शेयर किया है। इस्कॉन ने ट्विटर पर मामले की जानकारी देने के लिए गुवाहाटी पुलिस को धन्यवाद दिया है। कुल मिलाकर हमारी पड़ताल में वायरल हो रही पेंटिंग से जुड़ा दावा भ्रामक निकला। जिस पेंटिंग में श्री कृष्ण और गोपियों को बिकनी पहने हुए दिखाया गया है, वो 2015 में बनी थी और इसे बनाने वाले अकरम हुसैन पर असम पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की थी। आप भी सजग रहें, विश्वास करने से पहले वेरीफाई करें या फिर हमें भेज दें, हम उसकी पड़ताल करेंगे। आपके लिए पड़ताल की थी मेरे साथी ओम ने। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल पड़ताल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज पड़ताल को लाइक करें और आप हम तक आप WhatsApp के जरिए और ईमेल के जरिए ऐसे वायरल दावे पहुंचा सकते हैं। ये सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, कमेंट सेक्शन में हैं, आप उन्हें जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।